मनुष्य सोते समय कोई ना कोई सपना जरूर देखता है। कुछ सपने भयानक होते हैं और डरावने, वहीं कुछ अच्छे भी होते हैं। इस सपनों का स्वप्रशास्त्र में विस्तार से वर्णन मिलता है। स्वप्रशास्त्र के अनुसार अपने भविष्य को लेकर कई तरह के संकेत देते हैं। सपनों का संबंध हमारे आने वाले कल से होता है। नींद में आने वाले सपनों का अलग महत्व है। स्वप्रशास्त्र के अनुसार रात में आने वाला सपना आपके भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देता है। सपने कैसे भी हो सकते हैं, कुछ सपने बेहद अच्छे होते हैं तो कई बेहद बुरे। हम में से बहुत लोग की रात की गहरी नींद में आने वाले सपनों को भूल भी जाया करते हैं। सपनों की दुनिया में वो भी कर लेते हैं जो सामान्य जीवन में करना मुश्किल होता है। कुछ लोग अपने सपने में तरह तरह के जानवर और जलीय जंतु को भी देखते हैं, जैसे मछली। स्वप्रशास्त्र में बताया गया है कि सपनों में मछली दिखाई देना बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। स्वप्रशास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को सपने में मछली दिखाई देती है तो ये शुभ संकेत माना जाता है। हिंदू धर्म में मछली को धन की देवी या माँ लक्ष्मी के साथ जोड़कर देखा जाता है। स्वप्रशास्त्र में उल्लेख है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने सपने में बार बार मछली दिखती है तो इसका अर्थ है कि उसके हाथ में जल्द ही कोई धार्मिक काम होने वाला है। कुछ लोग सपने में अपने आप को जल में मछली के साथ तैरता हुआ देखते हैं। स्वप्रशास्त्र के अनुसार इसका मतलब है कि जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है और आपका भाग्य बदलने वाला है। यदि कोई व्यक्ति अपने सपने में रंग बिरंगी अनेक प्रकार की मछलियां देखता है तो इसका अर्थ है कि जल्द ही आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और आपका रुतबा भी बढ़ने लगेगा। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।